मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। ठाणे के कलवा में गैस सिलेंडर से लीकेज होने की वजह से आग लग गई और इसके बाद ब्लास्ट होने की खबर सामने आई है। आग लगने की वजह से 6 झोपड़े पूरी तरह से जल गए हैं। घटना शाम करीब 4:30 बजे के आसपास में हुई है। आपको बता दें कि कलवा के घोलाई नगर गणेश वेलफेयर सोसाइटी परिसर में गैस लीकेज होने की वजह से आग लगी और गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और मौके पर पहुंचे दमकल विभाग और आपत्ति व्यवस्थापन की टीम और कलवा पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बताया जा रहा है कि किसी भी तरह की इस हादसे में जानी नुकसान नहीं हुआ है, मगर 6 झोपड़े पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। वहीं प्रशासन के तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि हादसा गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से हुआ है। वहीं दूसरी खबर मुंबई से है। मुंबई के भाईखल्ला इलाके में कपड़े के कारखाने में आग लगने की खबर सामने आई। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया है कि दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास जकीरिया इंडस्ट्रियल इस्टेट स्थित में एक कपड़े के कारखाने में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग कैसे लगी अभी तक इसका पता नहीं चल सका है।